हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन लगाना। डेटा वैलिडेशन तो आप पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट देखिए केवल कीबोर्ड की मदद से कैसे लगाएंगे। तो ये सिलेक्टेड पार्ट देख रहे हैं आप, सिलेक्टेड पार्ट पर हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो अब आपको करना क्या है, कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट, ठीक है। अब जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि डेटा वाले टैब पर ए लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको ए प्रेस कर देना है सिंपली, ओके। और फिर वैलिडेशन पर जाने के लिए वी प्रेस करना है, तो ये वी हो गया। अब डेटा वैलिडेशन पर आप आ चुके हैं, अब एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां से आपको क्या करना है, एनी वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। तो यहां से आप एनी वैल्यू चूज कर लीजिए सिंपली कुछ इस तरीके से, ये लिस्ट कर दीजिए इसको, ओके। और यहां पर अब आप आ जाएंगे टैब बटन प्रेस करके, और टैब बटन प्रेस करके जैसे ही आएंगे तो यहां पर अब नाम लिखना है, तो यहां पर कर देता हूं राम कॉमा श्याम, टाइप कर दीजिए, होता जाएगा। तो बड़े ही आसानी के साथ आप सिर्फ कीबोर्ड की मदद से ही ये पूरा वैलिडेशन आप आसानी से लगा सकते हैं। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। ये अभी कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया सुमन रामू, तो ये देखिए ये एक डेटा वैलिडेशन क्रिएट हो गया। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये डेटा वैलिडेशन दिखाई पड़ेगा। अब आप माउस का यूज कर लीजिए, अब आप देख सकते हैं ये डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर सेलेक्टेड पार्ट पर अप्लाई हो चुका है एक्चुअली। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन लगा